Okay, good morning student. In today's lecture, what I'm going to solve the problem of matrices, and just try to understand the solution of these problems, that how we are going to tackle such problems. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है वीडियो का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का. देखिए इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले B माइनस सी मैट्रिक्स निकालेंगे, B माइनस सी मैट्रिक्स, क्योंकि डिमांड है A प्लस बी और B माइनस सी. चलो B माइनस सी मैट्रिक्स अगर मैं यही निकाल रहा हूँ तो देखिए क्या करना है, B के एलिमेंट में से C को माइनस करना है. तो देखिए कैसे होगा, यू विल बी फाइंडिंग दैट 3 माइनस फोर इज माइनस वन, देन माइनस वन दैट इज माइनस टू, देन 2 माइनस टू इज जीरो, देन 4 माइनस जीरो इज 4, then 2 minus 3 is minus 1, then 5 minus 2 is 5 minus 2 is simply 3, and then 2 minus 1 is 1, then 0 minus 2 is 2, and then 3 minus 3 is 0. ये देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ अगेन एज पर द डिमांड हमें a प्लस बी भी निकालना है, तो a प्लस बी हमारा निकल जाएगा. देखिए जरा ध्यान से, दोनों मैट्रिसेस को जोड़ देना है, दैट इज़ 4 ए प्लस बी, दैट इज़ 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, माइनस 3 और प्लस 2 आपको माइनस 1 देगा, 5 माइनस 4 1 देगा, 0 माइनस 2 0 प्लस 2 2 देगा. सॉरी हियर वी हैव डन सम मिस्टेक बिकॉज वी आर एडिंग इट नॉट सब्ट्रैक्टिंग इट. तो 5 प्लस 4 9, देन 2, देन 7 एंड देन 3, then माइनस वन, देन 4. ये आपकी मैट्रिक्स आ गई. देखिए जैसे क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है, आपको अब क्या करना है, इसमें आपको सिंपली a प्लस बी माइनस सी. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स a ऐड कर देंगे, जस्ट ऐड मैट्रिक्स a इन दिस, यू विल ऑब्टेन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से मैट्रिक्स c सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड यू विल फाइंड कि बोथ दिस टू आर इक्वल. सो प्लीज डू इट. अगर अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप देखेंगे 3a माइनस 5b, यानी मैट्रिक्स a को 3a माइनस 5b का मतलब है मैट्रिक्स, देखिए मैं पहले लिख रहा हूँ 3a माइनस 5b, जो कि हमारे पास आएगा सिंपली मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि स्केलर मल्टीप्लाई. तो आपके पास आ जाएगा ये 2 3 5 then 1, 2, 4, 7, then again it is 6, then 2, minus, what your observe, हर एक को 5 से स्केलर मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस करना, तो ये आपके पास 2, 3, 1, 1, 2, 4, then 7, 6, 2. Now what you will observe that it is nothing but a null matrix. 3 by 3 की एक null matrix आपके पास आ जाएगी. I hope आपको ये समझ में आया होगा. अगर आप question number 6 की बात करें, देखिए question number 6 is not so difficult. सिर्फ आपको समझना है question number 6 को. इसमें भी बाहर cos theta और sin theta, matrix के बाहर अगर कोई लिखा है element multiplication में, इसका मतलब वो scalar multiplication है. अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देखेंगे तो हम पहले कॉस थीटा से स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा और साइन थीटा, देन नेक्स्ट वन इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब साइन थीटा से आपने किया तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, देन नेक्स्ट एलिमेंट इज माइनस साइन थीटा cos theta, and the next one is again sin theta cos theta and then sin square theta. अब आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं corresponding एलिमेंट में corresponding. तो cos square theta plus sin square theta it will be 1, and next entry is 0, then 0, then 1. It is nothing but it is a identity matrix of 2 by 2 order. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी आप सॉल्यूशन देखिएगा, ये इट इज़ आल्सो नॉट सो डिफिकल्ट. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैट्रिसेस दे रखी हैं,
मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, वी कॉल दिस एज मैट्रिक्स इक्वेशन। देखिए ये मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे सोल्व होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। दो मैट्रिक्स दे रखी है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। एक काम करिएगा, हमें मैट्रिक्स एक्स और प्लीज़, क्योंकि कैपिटल लेटर लिखे हैं तो इसका मतलब मैट्रिक्स है, तो हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू, तो दोनों साइड की मैट्रिक्स भी ऐड हो जाएंगी, 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। देखिए मैट्रिसेस में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, y माइनस वाई नल मैट्रिक्स, इट विल बी 2x प्लस o, o स्टैंड फॉर नल मैट्रिक्स, इनको ऐड कर दीजिए, 10 0 2 8। अब हमारा यहाँ पर्पज है कि हमें मैट्रिक्स x निकालना, तो दोनों तरफ आप लिखेंगे स्केलर मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, तो इधर x आ जाएगा, जब इसको 1/2 से करेंगे तो हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 0 1 4, यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स x आ गई। अब आप मैट्रिक्स y चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है, हमारे पास पहली मैट्रिक्स इक्वेशन है कैपिटल x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5। अब आप यहाँ से देखेंगे हमें मैट्रिक्स y चाहिए, तो मैट्रिक्स y आपके पास सीधा सीधा क्या आएगा, 7 0 2 5। इस वाली मैट्रिक्स में से आप मैट्रिक्स x माइनस करेंगे जो कि अभी भी हमने कैलकुलेट करी है, तो मैट्रिक्स y हमारे पास आ जाएगी 7 0 2 5 माइनस x मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 5 0 1 4। अब आप यहाँ देखेंगे मैट्रिक्स y हमारे पास आ गई है, दैट इज 2 0 1 1, दैट इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप इसके सेकंड पार्ट को देखें, सातवें सेवन्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को, तो देखिए वो भी आपके सामने अभी हम सोल्व करके दिखा रहे हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, दैट इज नॉट सो डिफिकल्ट एंड यू कैन इजीली सोल्व दैट। देखिए यहां पर भी मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2x प्लस 3y हमें दे रखा है 2 3 4 0, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। देखिए इसको एक तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की तरह ट्रीट करिए, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 2 से, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा, पहले तो आप ये समझिएगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6x प्लस 9y। अब क्योंकि चूंकि 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब स्केलर मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 9 12 0। अगले में आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड देन 10। नाउ व्हाट आई विल डू, सब्ट्रैक्ट देम, यानी यहां आप कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग। देखिए सब्ट्रैक्टिंग से क्या फायदा होगा, आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10। नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 6x माइनस 6x नल मैट्रिक्स आ जाएगा, और आपके पास यहाँ आ जाएगा 5y प्लस नल मैट्रिक्स, और आप इसको जरा आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा
2, and then 13, 14, and then minus 10. अब चूंकि आपको मैट्रिक्स y चाहिए तो आप 1 by 5 से स्केलर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो y आ जाएगा आपके पास, हर एक एलिमेंट 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 by 5, 13 by 5, 14 by 5, और यहाँ minus 2 आ जाएगा, ये. अब y की वैल्यू किसी एक उसमें मैट्रिक्स इक्वेशन निकाल के आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए होंगे. नाउ सी नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. ओके